दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिमसब्र अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालिस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वे सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार जरूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यह मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम सब्र अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालिस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी तो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के शौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को निहत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको यह मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यह मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण सब्र, अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालिस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों देखते। इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार जरूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक, एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यह मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पद्मावती के शौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान सासी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण सब्र, अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालिस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने असूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जोहर के लिए निकलती हुई खिलजे की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वे सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार जरूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा का इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के शौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को निहत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से तो आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण सब्र, अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार जरूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यह मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालिस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पद्मावती के शौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान सासी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को निहत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज़ की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण सब्र, अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालिस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार जरूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज़ की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पद्मावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने असूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को निहत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर फुरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण सब्र, अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालिस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा करती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वे सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार जरूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यह मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पद्मावती के शौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को निहत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम, हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज़ की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को पचपन परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम सब्र, अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको दो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार जरूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यह मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम सब्र अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालिस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को ये कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी 25 जनवरी 2018 को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पद्मावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिमसब्र अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालिस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वे सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार जरूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने असूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर फुरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी 25 जनवरी 2018 को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पद्मावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम सब्र, अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा करती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वे सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी, भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पद्मावती के शौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने असूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को निहत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी 25 जनवरी 2018 को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पद्मावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को पचपन परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम सब्र, अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ तो पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा करती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको दो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार जरूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यह मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पद्मावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने असूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को निहत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यह मूवी 25 जनवरी 2018 को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पद्मावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण सब्र, अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालिस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ yeah, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा करती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वे सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा का इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने असूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को निहत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को पचपन परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम सब्र, अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा करती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वे सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज़ की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पद्मावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने असूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को निहत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी 25 जनवरी 2018 को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पद्मावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को पचपन परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम सब्र, अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा करती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको दो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक, एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यह मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिम अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको यह मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पदमावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा कहती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें ऐसी कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने असूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को निहत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर फुरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वह सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी तो की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सकें उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी पद्मावत मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक ही लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्मावत मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिए चलिए दोस्तों अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ये मूवी पच्चीस जनवरी दो को रिलीज की गई रोमांस एंड एक्शन मूवी पदमावत जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों संजय लीला बंसाली जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है अब बात करते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है और दोस्तों रोटेन टोमेटोस ने भी इस मूवी को 55 परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को चौरासी परसेंट तक लाइक किया है तो आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए ये मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की इस मूवी में दोस्तों आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि रणवीर सिंह शाहिद कपूर दीपिका पादुकोण जिमसब्र अदिति राव हयादी अनुप्रिया गोयंका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों पर इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे चम्बालिस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के बॉक्स ऑफिस और बजट की तो दोस्तों इस मूवी में कुल बजट लगाया गया था 200 करोड़ के आसपास का और दोस्तों इस मूवी ने कुल कलेक्शन किया है 500 करोड़ के आसपास का जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी ने कुल 500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है यह मूवी दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर आप इस मूवी को दोस्तों एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर इंजॉय कीजिए दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाली मूवी है आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली मूवी है अब बात करते हैं दोस्तों अपन फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी पद्मावत पर आधारित है जो राजपूत महारानी रानी पदमावती के सौर्य और वीरता की गाथा करती है पद्मावती मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी है और बेहद खूबसूरत होने के अलावा बुद्धिमान साहसी और बहुत अच्छी धनुधर है 1303 में अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की इन्हीं खूबियों के चलते उन्हें इस कदर प्रभावित होता है कि चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देता है फिल्म के अंत में महाराजा रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच तलवारबाजी के सीन में रतन सिंह अपने उसूलों आदर्श और युद्ध के नियमों का पालन करते हुए खिलजी को नियत्या कर देते हैं लेकिन पद्मावती को पाने की चाहत में खिलजी धोखे से रतन सिंह को यह कहकर मार डालता है कि जंग का एक ही उसूल होता है जीत अपनी आन बान शान की खातिर इसके बाद पद्मावती किसी तरह जौहर के लिए निकलती हुई खिलजी की ख्वाहिशों को ध्वस्त कर देती है यही फिल्म की कहानी चित्तौड़ के मशहूर सूरमा गोरा और बादल की शहादत को भी फिल्म में पूरे सम्मान के साथ दर्शाया गया है फिल्म के हर सीन में सिर के पांव तक ढंगी दीपिका पादुकोण ने अपने चेहरे के हाव भाव और खासतौर से आंखों के जरिए जो दमदार अभिनय किया है वे सराहनीय है दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये मूवी आपको एमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये मूवी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड दोस्तों इस मूवी से आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिलने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा दोस्तों आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ये दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी है इस मूवी से दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है तो आप एक बार जरूर से ज़रूर इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा एमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियर दोस्तों काफ़ी अच्छा लगने वाला है तो आप इस मूवी को जाइए और एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय